खीरे पर लगा भारत में बैन। जी हाँ, चौंक गए ना आप, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि खीरे पर हमारे भारत में बैन लगा हुआ है। खीरा तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन सी कुकुम्बर यानी समुद्री खीरे के बारे में शायद ही सुना होगा आपने। जिस समुद्री खीरे की बात हम कर रहे हैं, वो कोई फल सब्जी नहीं है, बल्कि एक समुद्री जानवर है। इसका नाम समुद्री खीरा यानी सी कुकुम्बर इसलिए पड़ा क्योंकि चीन में लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। वो इसे सुखा कर खाते हैं, जिसे बैशे डेमेल या त्रिपांग कहते हैं। इनका उपयोग पारंपरिक दवा बनाने के लिए भी होता है। वहाँ के अमीर इसे सदियों से खाते आ रहे हैं। समुद्री खीरे की एक जापानी प्रजाति जो कि सबसे महंगी बिकती है। अगर आप इसका दाम सुनेंगे तो शायद आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, इसका दाम 2.5 लाख रुपए प्रति किलो तक चला जाता है। चीन में ये माना जाता है कि समुद्री खीरा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में सदियों से इनका प्रयोग जोड़ों की समस्याओं जैसे ऑर्थराइटिस के इलाज में होता आ रहा है। हाल ही में यूरोप में भी लोगों ने इसका प्रयोग मेडिसिन के रूप में करना शुरू कर दिया है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी समुद्री खीरे से दवाई बनाने पर काम कर रही हैं। 1980 के दशक में चीन में इसकी मांग में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। जहां पहले सिर्फ अमीर चीनी ही इसे खा पाते थे, वहीं अब उभरता हुआ मध्यम वर्ग भी इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। दक्षिण एशिया के कुछ देशों सहित चीन में भी इसकी मांग बेतहाशा बढ़ी और साथ ही बढ़ा इस जानवर का दोहन। बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए कई देशों में इस जीव का बेतहाशा दोहन करना शुरू कर दिया। वर्ष 1996 से 2011 के बीच सी कुकुम्बर के निर्यात करने वाले देशों की संख्या 35 से 83 हो गई थी। बढ़ते दोहन के चलते ये जीव अब लुप्त प्राय जीवों में गिना जाने लगा है। कई देशों ने इनको पकड़ने और बेचने पर पाबंदी लगा दी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत भारत भी समुद्री खीरे को लुप्त प्राय प्रजाति मानता है और इसके दोहन या बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगाता है। पाबंदी के चलते इसकी स्मगलिंग भी खूब फल फूल रही है, खासकर भारत और श्रीलंका के तटीय इलाकों में।